नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने अपने बात हुई थी सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बताएंगे कि इसको अपन अगर मान लीजिए अपने पास i3 थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन PC है तो क्या करें। दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं खुद फोर्थ जनरेशन i7 PC काम में ले रहा हूँ। इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा तरह काम करेगा। तो उसके लिए अपने को चेंजेस क्या करने पड़ेंगे वो देखते हैं। आइए माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक मारेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ये देख लीजिए मेरे पास i7 फोर्थ जनरेशन है और 16 GB की रैम के साथ 4 GB ग्राफिक कार्ड है। तो इसमें अपन जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, यहाँ पर जाएंगे अपन इसमें एडवांस टैब पर परफॉर्मेंस में, इसमें सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो इसमें करना है आपको कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाके आपको करना है 100 थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन्स। ये इसलिए ताकि अपने को जो वीडियो के आइकन खुलते हैं फोल्डर में वो दिख जाए। और इसके आगे चलेंगे अपन एडवांस पे। एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक रहेगा अपना, इस पे जाएंगे वर्चुअल मेमोरी के अंदर। वर्चुअल मेमोरी में जाएंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे। वर्चुअल मेमोरी आप रहती है आपके जो एक्चुअल रैम है उसकी 3 गुना। तो ये आप दे दीजिए जिसमें हार्ड डिस्क में आपके ज़्यादा स्पेस हो वहाँ से इसको वर्चुअल मेमोरी कस्टमाइज साइज करके दे दीजिए। मिनिमम साइज लगा रखी है मैंने 32,560 MB का और मैक्सिमम साइज दे रखे है 38,680 का। सेट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके, सिस्टम रिस्टार्ट मांगेगा, रिस्टार्ट कर दीजिए इसको। ये छोटे से चेंज करने के बाद में आपका i7 6th जनरेशन 4th जनरेशन 5th जनरेशन पे आराम से काम करने लग जाएगा।